पानी किनका? हमारा। जमीन किनका? हमारा। कोयला किनका? हमारा। पावर किनका? अदानी का। बेचेगा कौन? अदानी। खरीदेगा कौन? बांग्लादेश। झारखंड को क्या मिला? डिबड़ी। कि हम झारखंड की राजनीति कर रहे हैं, उसमें कौन है भाजपा, कौन है कांग्रेस, बर्बाद कौन हो रहा है, आबाद कौन हो रहा है? झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार 29 दिसंबर को 2 साल पूरा करने वाली है, और इस 2 साल के दौरान काफ़ी कुछ हुआ, सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में। कोरोना महामारी की चपेट में पूरी दुनिया आई, झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहा। कोरोना का नाम इस वजह से क्योंकि कोरोना एक इस पूरे 2 साल के दौरान सेंटर में भी रहा और इसकी चर्चा भी बहुत हुई। लेकिन इन 2 सालों में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ आगे करना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य हैं। दादा, आपसे समझना चाहेंगे, पहला सवाल मेरा यही है कि आप पिछले 2 साल में आपकी पार्टी की सरकार ने ऐसा क्या किया, एक काम कोई मुझे बताइए जिसको आप कह सकते हैं कि हमने पिछले 2 साल में झारखंड के लिए ये किया। मैं आपको 30 काम ऐसे बता सकता हूँ, एक ही बताइए। एक पे तो दिक्कत है ना, क्योंकि 300 काम इस देश में लैंडमार्क स्थापित हुए। अब हम वो पुरानी बातों पे नहीं जाना चाहते। 2020 में हम लोगों ने जब कोरोना पीक पर था, उस समय हमारे जो अचीवमेंट्स है, जो लैंडमार्क्स है, वो तो अद्वितीय है। चाहे वो लोगों को एयरलिफ्ट करना हो, रेल से पहली बार लाना हो, पैदल चलने से रोकना हो, भरपेट भोजन करवाना हो, अब उसको बार बार हम लोग नहीं कहेंगे। लेकिन उस दौरान जो मनरेगा के तहत जो कार्यक्रम शुरू हुए, चाहे वो बिरसा हरित ग्राम योजना हो, नीलांबर पीताम्बर जल संगठन योजना हो, फोटो होल खेल योजना हो, फूलो झाना आशीर्वाद योजना हो, चाहे आपका मनरेगा में कार्य दिवस बढ़ाने की बात हो, साथ साथ इस वर्ष हम लोगों ने जो नियुक्ति नियमावली के तहत जो नौकरियों का रास्ता साफ किया, पारा टीचर्स की समस्या का हल हुआ, ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना, सबसे महत्वपूर्ण मॉब लिंचिंग पर कानून बनाना, डाइन बिसा प्रथा पर हमला करना, धर्म के नाम पर राजनीति को रोकना, मैं आपको तो कह सकता हूँ कि आप एक मत बताइए। सबसे ज़्यादा तकलीफ जो यहाँ के लोगों को हुई, वो हुई स्थानीय भाषाओं को लेकर जो हम लोग आगे बढ़े और नियुक्तियों में उसको लेकर आगे बढ़े। जो निविदा है उसमें 10% जो स्थानीय लोगों का जो आरक्षण देने का काम किया, जो यहाँ के मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, उनकी पहचान को बनाए रखने के लिए सरना धर्म कोड, ऐसे कई युगांतकारी योजनाएं हम लोगों ने चलाई 2 साल में, कि 2 साल का शासन और भाजपा परेशान। दादा, ये एक जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या जो राजनीति के जानकार हैं, वो ये मानते हैं कि हेमंत सोरेन पिछले, इससे पहले जब वो 13-14 महीनों के लिए राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय कुछ लिबरल थे, लिबरल इन द सेंस कि झारखंड में उन्होंने जो है उस समय इस तरह की राजनीति नहीं की थी। अब जो वो राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने पूरी तरीके से फोकस किया है कि हम सिर्फ राज्य में नहीं, एक ट्राइबल के बड़े नेता के तौर पर देश में उभरे, और उनके भाषण में या उनकी जो योजनाएं हैं उसमें ज़्यादातर आपके उन वोटरों का ध्यान रखा जाता है जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को हमेशा से वोट करते रहे। मसलन सारी धोती साड़ी योजना हो, या फूलो झानो योजना हो, या फिर स्पोर्ट्स को लेकर जो नियुक्ति आप लोगों ने की, तो ये क्या आप लोग एक अलग मापदंड तय करने जा रहे हैं JMM के लिए, जिसको लेकर आगे आप राजनीति बढ़ाएंगे? देखिए, आप भी बहुत दिन से झारखंड की पत्रकारिता कर रहे हैं, आप देखे होंगे कि झारखंड में इसके पहले 2014 के पहले जो भी सरकारें बनी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की रही हो या किसी और की, तो उसमें झारखंडियों का एक स्टेक था। लेकिन 2014 से 2019 के बीच जो सरकार चली, वो झारखंडी मानसिकता विरोधी सरकार चली। इसलिए अब ये समय क्या मांग है कि हम एग्रेशन के साथ में झारखंडियत को बचाएं, झारखंड की पहचान को बचाएं, झारखंड के मूल्यों को बचाएं।
इसलिए आपको ये एग्रेशन दिख रहा होगा। यदि उस वक्त 2014 से 2019 तक भाजपा यदि प्रो ट्राइबल रहती, प्रो ये फिफ्थ शेड्यूल रहती, तो हमको लगता है कि इस राज्य का दिशा ही कुछ और होता। लेकिन अब हमको पुनः याद आता है 2000 के पहले का संघर्ष हमको फिर से जारी करना पड़ा इस झारखंड को बचाए और बनाए रखने के लिए। मतलब जेएमएम की जो पहचान रही है वो मतलब झारखंडियत को लेकर आप बात कर रहे हैं। झारखंडियत झारखंड का निर्माण ही ट्राइबल को आगे लाने के लिए हुआ, क्योंकि बिहार में ये पूरा इलाका पीछे रहता था, जिस तरह से आप लोग लगातार आरोप लगाते रहे। तो क्या इसी लाइन पर आप लोग आगे चलेंगे? इसलिए आपको परवाह नहीं है कि बीजेपी क्या कह रही है, रोजगार पे क्या हो रहा है? आप बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं कि जो ट्राइबल है वो आए स्वरोजगार करें, उनको हम 25 लाख रुपया देंगे। वो कह रहे हैं कि गांव में अगर कुछ हो सकता है तो हम गांव की बात करेंगे। आपने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम किए और आपने अधिकारियों को गाँव तक भेजा, तो ये क्या ये इसी लाइन पे जाएगी? जेएमएम परवाह नहीं करेगी बीजेपी की, बीजेपी क्या कह रही है, या जो शहरी वोटर है उसकी परवाह नहीं करेगी? नहीं, मेरा कहने का सेंस ये है। नहीं देखिए, बीजेपी क्या कह रही है वो नहीं, आप देखिए ना, हमारे यहाँ पर 2014 के बाद गोड्डा में अदानी आया, पानी किनका? हमारा। जमीन किनका? हमारा। कोयला किनका? हमारा। पावर किनका? अदानी का। बेचेगा कौन? अदानी। खरीदेगा कौन? बांग्लादेश। झारखंड को क्या मिला? ड्यूबड़ी, एनटीपीसी, पीटीपीएस जो था वो किसका? हमारा। उसका डैम निर्माण में डूबे कौन? हम। बिजली कौन बेचेगा? भारत सरकार। हम क्या करेंगे? डीवीसी में सैकड़ों गांव, राजस्व गांव डूबे किनके? हमारे। फायदा किनको? पश्चिम बंगाल को। डूबा कौन? झारखंड। आग कौन तरेर रहा है? भारत सरकार। इस शर्त पर चलेगा क्या यह राज्य? इसी जुड़ा मेरा आखिरी चरण है इंटरव्यू का, क्योंकि ज़्यादा लंबा हम खींचेंगे नहीं, लेकिन आप जो कर रहे हैं, आप तो अपना वोटर मजबूत कर रहे हैं और आपके वोटर मजबूत भी हो रहे हैं, इस बात का एहसास आपको है, लेकिन आपके सहयोगी जो हैं कहीं ना कहीं आपके इस लाइन की वजह से उनके वोटर पर असर पड़ रहा है, क्योंकि वो तो दूसरी तरह की राजनीति करते हैं। मेरा कांग्रेस के कंसर्न में ये बात नहीं, देखिए हम झारखंड की राजनीति कर रहे हैं, हम झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों की राजनीति कर रहे हैं। उसमें कौन है भाजपा, कौन है कांग्रेस, वो सेकेंडरी इशू है। प्राइमरी इशू जो है वो झारखंड कंसर्न है और ये देश कंसर्न है। आप बताइए, जेनरेशन पे जेनरेशन रेडिएशन के कारण जादूगोड़ा, बिल्कुल मैं तो कई बार गया हूँ, हाँ, तो एटॉमिक पावर कौन है? देश। 56 साल हो गया, जो 76 साल आपको जो एज लिमिट है भारत सरकार का, जो जीने का जो एक उम्र है, कोलान में केवल पॉल्यूशन के कारण आयरन ओर का 35 से 40 एवरेज 56 रह गया, 20 साल का अंतर। बर्बाद कौन हो रहा है, आबाद कौन हो रहा है, इसमें तो फर्क करना पड़ेगा ना। विनाश विकास का शर्त नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया, ये थे हमारे साथ। देखिए, इसमें कुछ पॉलिटिकल सवाल लेकर नहीं आए, क्योंकि ये इंटरव्यू इस वजह से मैंने किया कि जेएमएम जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी अपने आप को कहती रही है। हेमंत सोरेन को लेकर इस तरह की धारणा आमतौर पर अभी बन रही है कि वो जो झारखंड में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उस पॉलिटिक्स में वो अपने आप को कम से कम झारखंड के सबसे बड़े ट्राइबल नेता के तौर पर एस्टैब्लिश करने की जुगत में है, और कुछ हद तक उन्होंने अपना वो जो वोट बैंक है वो तैयार कर लिया है, जो कि शिबू सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े नेता और झारखंड के बड़े नेता, झारखंड को अलग करने में उनकी क्या भूमिका रही है सभी जानते हैं, उससे अलग पार्टी को एक दूसरे लाइन पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा, हम 29 तारीख तक लगातार अलग अलग इंटरव्यू आपको दिखाएंगे। पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे समाचार वाला टीवी, मैं हूँ राज सिंह, नमस्कार।